नासिरुद्दीन महमूद बर्रे सगीर के नेक रहमदिल इबादत गुजार और सादा मिजाज हुक्मरान थे। आप 1229 ईस्वी को पैदा हुए। उस वक्त बर्रे सगीर पर इनके वालिद शम्सुद्दीन अल्तमश हुक्मरान थे, जो इल्म दोस्त और नेक सीरत हुक्मरान थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो नासिरुद्दीन अभी सिर्फ 7 बरस के थे, इसलिए इनके बड़े भाई रुकनुद्दीन ने इक्तदार संभाला, लेकिन वो ज्यादा अरसे हुकूमत न कर सका और फिर इक्तदार इनकी बहन रजिया सुल्ताना के पास चला गया, लेकिन वो भी 4 बरस से ज्यादा हुकूमत न कर सकी। लोग इनके खिलाफ हो गए और एक लड़ाई में वो जाबाक हो गईं। रजिया सुल्ताना के कत्ल के बाद दिल्ली पर मौजुद्दीन बहराम शाह की हुकूमत कायम हो गई, मगर वो 2 साल के करीब हुकूमत कर सका और सन 639 हिजरी में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद दिल्ली के तख्त पर बैठा, मगर इसका दौरे इक्तदार भी मुख्तसर रहा। उमरा ने इसकी बदकिरदारी और जुल्म व सितम से तंग आकर इसको माजूल करके कैद कर दिया और नासिरुद्दीन महमूद से हुकूमत संभालने की दरख्वास्त की। नासिरुद्दीन महमूद उस वक्त बहराइच का हाकिम था। अलाउद्दीन की हुकूमत का अरसा 4 साल 1 महीना रहा। नासिरुद्दीन महमूद अल्तमश का सबसे छोटा बेटा था। अल्तमश के सबसे बड़े बेटे का नाम नासिरुद्दीन था। अल्तमश का सबसे छोटा बेटा इसके बड़े बेटे की वफात के बाद पैदा हुआ, तो सुल्तान अल्तमश ने अपने बड़े बेटे की याद में इसका नाम भी नासिरुद्दीन रख दिया। अल्तमश ने नासिरुद्दीन की तालीम तरबियत पर खास तवज्जो दी थी। बहराम शाह के दौरे हुकूमत में नासिरुद्दीन को कैद कर दिया गया था और अलाउद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद इसको कैद से निकाल कर बहराइच का हाकिम बना दिया, और बहुत जल्द नासिरुद्दीन अपनी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से अवाम में मकबूल हो गया। चुनाचा नासिरुद्दीन की नेक नामी से ही मुतासर होकर उमराए दिल्ली ने तख्त नासिरुद्दीन के हवाले कर दिया। नासिरुद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद गयासुद्दीन बलबन को, जो कि अल्तमश का गुलाम था, वजारत का मनसब अता किया और इसकी बेटी से शादी कर ली, और इसके चचेरे भाई शेर खान को पंजाब और मुल्तान की सूबेदारी सौंपी ताकि वो अफगानिस्तान के रास्ता हमला आवर होने वाले मुगलों के हमलों से सल्तनत को बचा सके। नासिरुद्दीन महमूद ने तकरीबन 20 साल हुकूमत की। सुल्तान नासिरुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि इसने अपनी सल्तनत और अवाम को हलाकू खान की बर्बरियत से बचाए रखा। नासिरुद्दीन महमूद की शोहरत एक रहमदिल, सादा और खुदा तरस सुल्तान की है, और वो हर तरह की खुद नुमाई से परहेज करता था। इसने दौरान कैद रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए कुरान मजीद की किताबत की और सरकारी वजाइफ लेने से इनकार कर दिया। तख्त नशीन होने के बाद भी इसने अखराजात के लिए कुरान मजीद की किताबत को अपनाया। अपने आबाओ अजदाद के बरअक्स इसने अपनी खिदमत के लिए किसी लोंडी को रखना पसंद न किया। इसकी एक ही बीवी थी और जो घर के काम काज भी खुद ही करती थी। रिवायात के मुताबिक एक दफ़ा आपकी अहलिया मोहतरमा ने आपसे शिकायत की कि आप इतनी बड़ी हुकूमत के फरमा रवा हैं और मुझे घर के काम काज खुद करने पड़ते हैं और रोटियां भी पकानी पड़ती हैं, जिससे मेरे हाथ जल जाते हैं। क्यों ना बैतुल माल से रकम लेकर एक खादमा का इंतज़ाम कर लिया जाए। ये सुनकर नासिरुद्दीन कहने लगे, ये बैतुल माल का पैसा बंदगाने खुदा का है, मैं कैसे इसमें खयानत कर सकता हूँ, और अहलिया को सब्र की तलकीन की। आप अपने जाती अखराजात पूरे करने के लिए खुद मेहनत करके कमाते, आप फन खताती के माहिर थे, जिसे आपने जरिया माश भी बनाया। नासिरुद्दीन अमन पसंद, सुलाजो और नरम तबीयत के मालिक थे, लेकिन जब बात ममलिकत के दिफा की होती तो किसी भी जंग से खौफ नहीं खाते थे। उन्होंने बर्रे सगीर पर 20 बरस हुकूमत की और अपने नायब गयासुद्दीन बलबन की मदद से अपनी ममलिकत को टुकड़े टुकड़े होने और मंगोलों के वहशियाना हमलों से बचाया। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में जो इल्मी कारनामे हुए, इनमें से तारीख की मशहूर किताब तबकाते नासरी तसनीफ हुई। जून 1246 ईस्वी को नासिरुद्दीन महमूद तख्त नशीन हुआ। जुलाई 1247 में सुल्तान खुद एक लश्कर लेकर मुल्तान की तरफ रवाना हुआ और दरियाए सिंध के किनारे पड़ाव डाला।
और गयासुद्दीन बलबन को गखरों की सरकोबी के लिए रवाना किया, जो कि एक अरसा से लूटमार और कत्लो गारत में मुलविस थे। इस हमले में बहुत से गखर मारे गए और हजारों को कैद कर लिया गया, और इस दौरान सुल्तान ने लाहौर और मुल्तान के कई उम्रा और जागीरदार जो कि अल्तमश के जमाने से वहां मौजूद थे, मगर उन्होंने सच्चे दिल से तख्त दिल्ली की इताअत नहीं की थी, को बरतरफ कर दिया और इनकी जगह इनके बेटों को हाकिम मुकर्रर कर दिया और इन माजूल उम्रा को अपने साथ दिल्ली ले आया। सुल्तान के इस फैसले की वजह से पंजाब और मुल्तान के इलाके में सियासी और माली इस्तेकाम पैदा हो गया। 1248 ईस्वी में सुल्तान ने अपने वजीर गयासुद्दीन बलबन की बेटी से शादी की। 645 हिजरी में नासिरुद्दीन ने दो आप के इलाके का सफ़र किया और कनूज का इलाका फतह किया। इसी साल बलबन की सरबराही में इसके लश्कर ने राजा दमकी मुल्की को शिकस्त देने के बाद गिरफ्तार किया, जो कि दरियाए जमुना के किनारे पर एक इलाके का राजा था, जिसने इर्द गिर्द के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 649 हिजरी में मलिक इजाजुद्दीन ने बादशाह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इसी साल बादशाह मलिक इजाजुद्दीन की सरकोबी के लिए रवाना हुआ। मलिक इजाजुद्दीन बादशाह से अमान का तलबगार हुआ। बादशाह ने इसे माफ कर दिया और इसको बहाल कर दिया। 649 हिजरी में ही नासिरुद्दीन एक जबरदस्त लश्कर लेकर किला टडोर पर हमला आवर हुआ। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर था और इसे राजा जाहिर देव ने तामीर करवाया था। जाहिर देव भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर नासिरुद्दीन के मुकाबल आया और एक जबरदस्त जंग के बाद नासिरुद्दीन को फतह हासिल हुई। इसी दौरान शेर खान ने गजनी में मंगोलों को शिकस्त देकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया और इस तरह गजनी भी नासिरुद्दीन की सल्तनत में शामिल हो गया। 653 हिजरी में बागी उमरा कुतलुग खान और इमादुद्दीन की बगावत का किला कमा किया, जिसके नतीजे में इमादुद्दीन मारा गया और कुतलुग खान फरार हो गया। 657 हिजरी में शाही लश्कर ने बलबन की क़यादत में रथम्बोर और सवालिक पर लश्कर कशी की और फतायाबी हासिल की। मार्च 1257 ईस्वी को हलाकू खान के सफीर ने सल्तनत दिल्ली का दौरा किया। सफीर का इस्तकबाल नहायत शान शौकत से किया गया और इस इस्तकबाल के जरिए से सफीर को सल्तनत दिल्ली की ताकत का मुजाहरा कराना मकसूद था, ताकि हलाकू खान को दिल्ली पर लश्कर कशी से रोका जा सके। इस इस्तकबाल में 50,000 सवार, 2,00,000 प्यादे और 2,000 हाथी शामिल थे। 18 फरवरी सन 1266 ईस्वी को इस अजीम हुक्मरान का इंतकाल हुआ और आपको दिल्ली के इलाके मलिकपुर में सुपर्द खाक कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।